हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दुर्लभ कश्यप की गैंग को आखिर डी कंपनी के नाम से क्यों जाना जाता है। आखिर क्या वजह रही होगी जिसके कारण दुर्लभ कश्यप की गैंग का नाम डी कंपनी पड़ा। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि दुर्लभ कश्यप की गैंग में कितने मेंबर थे। इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप ये नाम एक ऐसा नाम बन चुका है कि इस नाम से ज़्यादातर लोग परिचित हैं। ये नाम ही नहीं बल्कि खौफ सा बन गया है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप इस नाम से आप जहाँ तक कि परिचित होंगे ही। दुर्लभ कश्यप ने इतनी कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था कि जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं या कैरियर के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में दुर्लभ कश्यप ने 1 से 2 अपराध कर दिए थे और इतनी कम उम्र में उसके ऊपर कई मामले दर्ज हो गए थे। और साथ ही साथ उसने अपराध करने में सोशल मीडिया का भी उपयोग लिया था, जिससे कि लोग उसकी गैंग में जुड़े। दुर्लभ कश्यप का पालन पोषण उज्जैन में ही हुआ था और उज्जैन में ही उसने पढ़ाई की थी। दुर्लभ कश्यप एक सक्षम परिवार से बिलोंग करता था। दुर्लभ कश्यप के पिताजी बिजनेसमैन थे और उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल की टीचर थी। लेकिन दुर्लभ गलत संगति के कारण अपराध की दुनिया के रास्ते पर चला गया था और एक रात वो एक गैंग वार में मारा गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप ने अपनी गैंग का नाम डी कंपनी क्यों रखा था। क्योंकि दुर्लभ कश्यप चाहता था कि वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन बने और एक दिन पूरे देश पर राज करे। क्योंकि उस वक्त दाऊद का खौफ चल रहा था। दाऊद जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन है, जिसको कि दाऊद इब्राहिम के नाम से जाना जाता है, और दाऊद की एक गैंग भी है जिसका नाम है डी कंपनी, और अपने डी कंपनी गैंग के गुर्गों से वो अपराध करवाता है। ठीक इसी प्रकार दुर्लभ कश्यप भी चाहता था कि मैं देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनूं और दुनिया पर राज करूं। तो दुर्लभ कश्यप ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की गैंग से इंस्पायर होकर अपनी भी गैंग का नाम डी कंपनी रख लिया और उसमें अनेकों लड़के जोड़ लिए जिनसे दुर्लभ कश्यप अपराध करवाता था। और दुर्लभ कश्यप की गैंग में ज्यादातर लड़के नाबालिग ही थे। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप का खौफ फैलता गया और उसकी गैंग में हजारों की संख्या में लड़के जुड़ने लगे और धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप का नाम बड़ी बड़ी वारदातों में आने लगा। उसके बाद दुर्लभ कश्यप का उज्जैन में खौफ फैलने लगा। लेकिन फिर एक रात वो गैंग वार में मारा गया था और दुर्लभ कश्यप का पूरे देश पर राज करने का सपना अधूरा रह गया और मात्र 20 साल की उम्र में अपराध की दुनिया को उसने अलविदा कह दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि उसने अपनी गैंग का नाम डी कंपनी क्यों रखा था। दोस्तों, आप क्या सोचते हो दुर्लभ कश्यप को लेकर, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।